अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए एक नए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सीखो है, मुझे बहुत पसंद आया। तो आपके घर में पुराने नाले रहे तो जरूर से उठा लगा जाओ, पुराने चूज करो नो को आंग में दर्द आ जाता। भैया के दुकान का लेबल भी है काम है, तो बल्ला के पैटर्न है ने? तो ये हमें बना पहुंचो, डिजाइन कैसा है और कमेंट्स में जरूर बताइए। इंशाल्लाह आपके घर में भी पुराने नहाने रहे तो लाकर डाला। जो मैं बनाती हूँ वो बात रेडीमेड में नहीं आती, जरूर से आप भी अगर आना है तो विजिट कर लीजिए भैया का दुकान का एड्रेस। माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया, घर को भी जाकर दिखाऊंगी कंफर्टेबल कैसा है। बोल तो ऐसा यहाँ देखी थी सो वो ये देखो अंदर इसमें, तो मैं ये भी बनाई हूँ। हाथ पाव में दर्द को रिलैक्स करना अच्छा होता है। वैसा सलाह से बन रहा बहुत अच्छा बना कहीं, माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई, तो ज़रूर से विजिट कर लीजिए भैया की दुकान को। शुक्रिया शुक्रिया। तो देखें यहाँ पर ये रिलैक्स के वास्ते से ये बना लीजिए, क्योंकि ये हाथा पावां को रिलैक्स करता है, ये बहुत अच्छी चीज। कहाँ कहाँ की ढूंढती थी, ये नहीं मिलता था, लास्ट फाइनल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ रुई मेज बनाई हूँ। ये पावां को रिलैक्स करता है और अच्छी चीज ये बॉडी के वास्ते मेरे हिसाब से। इसका नाम क्या बोलते हैं सर? कल 195 में लगे गए थे 30 अंडा और 200 में कल परसों लेके गए थे ना, तुम ही तो दिए थे। अच्छा वाला डालिए, तो देखिए परफेक्ट। अगर आप भी जाइए ज़रूर से पुराने नाले को निकालिए, न्यू स्टाइल करिए घर को, जैसा है वैसा खुश रहने की कोशिश करिए। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए कैसी लगी हमारी नाली। ये रुई बहुत ओरिजिनल थी हमारे पास, जो नाले दिखाई थी ना तो परफेक्ट। यंगी देखी था तो आज हम बना रहे हैं हमारे लिए घर में गोभी, और यहाँ पर मैं बनाई हूँ मीठा, तो आज कुछ ना कुछ बनाएंगे बोल के। तो आज हम बनाएंगे गोभी, बहुत दिन हो गए बाहर की तो बिल्कुल खाया नहीं जाता, इसीलिए इंशाल्लाह सर हमें होम टूर कराऊंगी सब क्लीन के करने के बाद, सब सेट होने के बाद। एक हफ्ता तो लग ही जाता है घर सेट होने में, आसान नहीं है कि घर सेट होना, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। आइए मेरी यूट्यूब फैमिली, मीठा खाएंगे, खीर बनाई हूँ सेवियां की, खीर नहीं मीठा। तो आज दिल चाह रहा था, बहुत दिन एक हफ्ता हो गया, तो शाम में मैं कुछ नहीं बना रही थी, तो यहाँ पर मैं बनाई थी तरकारी का साला काबल के चने दाल को। ये है खाना और ये है कतली। अब
अभी तक क्या भी सेटिंग नहीं हो गया घर का। पूरा सेटिंग करने के बाद मैं ज़रूर से आपको शेयर करूँगी। मेरी टू फैमिली आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे ना। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं गोभी। हमारे घर में ज़्यादा गोभी घर की ही खाना पसंद करते हैं। और मीठा आइए मेरी यूट्यूब फैमिली। बिस्मिल्लाह। स्पून में खाने अच्छा नहीं लगता मुझे। तुझे मामा आ अच्छी है? आहा। और ये है मीठा। क्या स्पेशल है? चुपके नहीं है घर में। अच्छा। सारे कपड़े वॉश होने के बाद आयरन भी हो गए हैं। देखिए आज थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, अपने जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर। दो दिन से वीडियो भी नहीं डाली हूँ। बाहर का नज़ारा देखिए, शाम के 6 बज रहे हैं। अभी दिन बड़ा रात छोटी, क्या बोलते हैं आजम साहब? नहीं नहीं दिन बड़ा रात छोटी। कैसे है मेरी YouTube फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। और दो दिन से वीडियो नहीं डाली हूँ, सॉरी इसके लिए। बहुत बिजी थी मैं। तो ऐसा लग रहा है 8 दिन के बाद बाहर आपको घर का काम पूरा खत्म अभी हुआ नहीं, थोड़ा सा इतना जल्दी आसान नहीं कि घर शिफ्ट करने के बाद पूरा काम परफेक्ट होने के वास्ते। वहीं आपको 8 रोज़ बाहर, बहुत दिनों के बाद या महीने के बाद निकले जैसे लग रहा है। 8 दिन नहीं, 1 महीने के बाद बाहर निकलती ना वैसी फीलिंग हो रही है मुझे आज। आपकी बहुत दुआ काम आई मुझे, बहुत दुआ करे मेरी YouTube फैमिली। इंशाल्लाह दुआ में बहुत असर है, ऐसे ही दुआ करते रहिए। अल्लाह ताला सबकी मुश्किल को आसान कर दे, हर तकलीफ को तेज बोल को नहीं। अल्लाह सबके जितने भी मेरे मोमिन मुसलमाना मेरे भाइयां बहना जितने भी हैं सबको भी उनके दिल की हाजत पूरी होने की तौफीक अता फरमा दे, जायज़ मुराद पूरी होने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन आमीन। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, नहीं कि मेरी दुआ कबूल हो जाना मैं ही अच्छी रहना, ऐसा नहीं है। नीयत के पर अल्लाह ताला भी देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। टमाटो प्याज, टमाटो चाहिए था मुझे। वाव सब चीज़ा ही ना यहाँ। लहसुन कैसा? 520। फार्म ये ಇನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಹೊಲ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ? ಬಸ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ 2 ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ। ಸೊ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಮೇ ಯಹಾ ಪರ್ ಖೈಮಾ ಭೀ ಲೆ ಲೇಂಗೆ। ಬಾಹರ್ ನಿಕಲನೆ ಸೇ ದೇಖಿಯೇ ಕಿತ್ನೆ ಪಾರ್ ಹೋತಿ। ಐರನ್ ಕೆ ಕಪಡೆ ಹೋಗೇ, ಟೇಲರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೋಗೇ। ತೊ ಅಭಿ ಯಹಾ ಪರ್ ಖೈಮಾ ಭೀ ಲೆ ಲೇಂಗೆ। ತೊ ಅಭಿ ಯಹಾ ಪರ್ ಖೈಮಾ ಭೀ ಲೆ ಲೇಂಗೆ। ಬಾಹರ್ ಆನೆ ಸೇ ದೇಖಿಯೇ ಕಿತ್ನೆ ಕಾಮ್ ರಹತಾ ಹೈ ಇಸ್ ತರಹ ಸೇ। टेलर के पास से आयरन के कपड़े लिए, अभी खेमा भी ले रही है, और बेकरी चटी ब्रेड भी लेके आई थी। तो छोटे छोटे काम हम बल्ला कर रहे थे।
तो घर आने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और साथ में ले गए हम खैमा। तो देखिए यहाँ पर ये हाथ का खैमा, ये इसलिए थोड़ा सा लेट लगता है वो भैया के पास। तो चाय पीने के बाद साथ में ब्रेड भी लाई थी, तो चाय पकने के बाद चाय पियेंगे। पर चाय बन रही है, चाय पियेंगे। चाय अच्छा पको, कड़क कड़क हुई तो मूड भी अच्छा हो जाता है। ऑलरेडी मूड अच्छा है, अल्लाह का फजल है। किस किस को चाय पीना अच्छा लगता है जरूर कमेंट्स में बताइए। और साथ में खेमा का सालाम भी बना देंगे। हाय बोलो मोमो, सलाम बोलो मेरी टू फैमिली को। वालेकुम सलाम। अरे सलाम बोलो किस तुम ना, सलाम का जवाब दियो कर बोले। फुल नींद आ रही है बच्चे को, नहीं कैसा सिर में दर्द है जी? कई को बेटा ज्यादा था, हार्ड वर्क था। 6:30 भेजें, बहुत बड़ी बात नहीं। तो 9 बजे आता है मोमो हमारा रात के। तो सब जने पूछती मोमो कौन, मोमो कौन, मेरा बच्चा है मोमो। देखिए शामी खवा, तो यहाँ पर हमारा रेसिपी शेयर दे कर रही हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट बार करूँगी। मीडियम साइज हमें बहुत बड़ा नहीं चाहिए, अर्जेंट के लिए लगा रहे हैं। मीडियम साइज तो बाहर ही लगा था, वही लेना था। वो नक्को पुराना हो गए, वो कल ही लगाया आंटी, पुराना था। कैसा है इसका प्राइस? 350 किलो किलो। ये बड़ा बाहर वाला है ना, वो कितने का है? ये सेम है। ये कितना होता है? ये 2000 चिल्लर। चाय की चाय ये अच्छा है, इससे छोटा है। 1700 बहुत छोटा हो जाता। नहीं ये देखो, तो आज का वीडियो कैसे लगा? अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नहीं आ रहे तो सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।